अरे राधा बहू, पोहे ला रही हो या बाहर से मंगवाए? निर्विघ्नम कुरु मे देव। ये लीजिए गर्मा गर्म पोहे। अरे चाची मुझे भी। पापा अच्छा है, अच्छा है। शगुन के लिए। छोटी काकी, ये ट्रे के नीचे क्या रिश्वत दी जा रही है? अरे कुछ भी तो नहीं। ताई, तेरे लिए लड़का देखने की तैयारी की जा रही है। अरे इस लड़के के बारे में कुछ बताओ तो सही। बाबा बहुत अच्छा लड़का है, हमारी शगुन को बहुत खुश रखेगा ये। मैं आप सबको पहले ही बोल चुकी हूँ ना, जब तक युग की नौकरी नहीं लग जाती मुझे शादी नहीं करनी है। शगुन इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है, और पता है इसके ना दो दो फ्लैट्स भी है। बिल्कुल देवरानी जी, और दोनों लोन पे है, और हमारी शगुन किश्तें भरेगी। राधा ये तुम कैसा रिश्ता लेके आई हो? अरे एक मिनट, आप सब लोग आराम से पोहे खाइए, मुझे जाके अपना टिफिन पैक करना, उसके बाद ऑफिस जाने में लेट हो रही हूँ। शगुन सुन, सबके सब पागल हो गए इस घर में, अब क्या है बड़ी काकी? बोला ना ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ऑफिस के लिए लेट होगा चलेगा, पर जिंदगी के लिए लेट नहीं होना चाहिए बाड़ा। ये देख, ये लड़का रेलवे में सर्विस करता है, देख तो सही। सैलरी के अलावा ऊपर की कमाई भी बहुत अच्छी है, और सरकारी फ्लैट में रहता है। और ये देख, ये तो बहुत पैसे वाला है। हाँ शगुन बेटा, भाभी तुम्हारे लिए दो दो लड़कों के रिश्ते लेकर आई है, एक है रिश्वतखोर और दूसरा अय्याज। बेटा अब तुम ही सोच लो। हाँ हाँ बाड़ा सोच ले। मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है, आप दोनों की वजह से और कुछ तो नहीं, लेट हो जाऊंगी मैं। अरे पर ये तो बता दे कि हम लड़ने वाले को क्या कहें? अरे कहना क्या है, जो मेरी किस्मत में होगा वो खुद मेरे सामने आ जाएगा। वो सब ठीक है, बता किसे मिलेगी और कब मिलेगी? जब युग की जॉब लग जाएगी तब। ताई इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। सच्ची? अब तो बप्पा से मिलना ही पड़ेगा। युग तुझे पता है ये जॉब तेरी है और तुझे मिलके रहेगी। पप्पा जल्दी से तेरी किस्मत अच्छे रिश्ते से जोड़ दे। मैं जा रही हूँ। क्या मैडम? रुको, बात कर रही हो? हाँ क्या हुआ भाई? ये ना मैं बताती है सर, मैडम ने मैडम को जगाने के लिए कहा, मैंने जगाने के वास्ते आवाज लगाई, फिर मैडम नहीं उठी, मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया, मैडम ने गुस्सा में आके धक्का मार दिया, फिर जूस गिर गया इनके ऊपर। आज से पता है मैंने जहाँ तक काम मत करो, यहाँ नहीं चलेगा। ये गलत बात है साहब, लड़की होके ऐसा स्वभाव ठीक नहीं साहब। कल को अपने मर्द के घर ये लोग अपनी 2 महीने की सैलरी और जाओ यहाँ से। और कभी यहाँ से जाना है? हाँ उसे भी डबल सैलरी मिलेगी, वैसे भी पैसों का पेड़ तो हमारे टेरेस गार्डन पर है ना? ये आपका मैटर नहीं, सो स्टे आउट ऑफ इट। इतना मत इतरा, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ जाए। वो दिन हमारी जिंदगी में तो नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में जरूर आ सकता है। मुझे पता है कि तुम्हें इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे तुम दोनों की फिक्र है, और जिस तरह से तुम नव्या का ख्याल रखते हो वो हम सबको दिखता है बेटा। पर बेटा बात समझने की कोशिश करो, एक औरत को अपनी जिंदगी में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस, वो सब मैं देख लूंगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
जहां की ये नफरत दूसरे से ज्यादा खुद को खोखला कर देते हैं। लता आज बहुत लेट हो गए हम लोग। हाँ यार, बस पप्पा से प्रार्थना कर कि वो सुपरवाइजर ना देखे, वरना हाफ डे की सैलरी कट जाएगी। ऐसे मत बोल। सुनो, ग्लव्स है एक्स्ट्रा? सॉरी सर, वो आज लेट हो गया। वो क्या है ना, दो ट्रेन मिस हो गई, पर कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप प्लीज हमारी कंप्लेंट मत कीजिए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब इसमें भला कंप्लेन करने की क्या बात है, है ना शगुन जी? हम लोग एक ही टीम के हैं ना? थैंक यू सर। अरे तू कहाँ चली? देख, एक फेवर मैंने तेरा किया है, एक फेवर तू कर दे मेरा, है? इतनी हिम्मत, दो टके की कल की छोकरी, तूने मुझ पर सुपरवाइजर रमाकांत पर हाथ उठाया? देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तुझे जो करना है तू कर ले, दोबारा से ये हरकत की ना तो एक नहीं बल्कि दो लगाऊंगी कान के नीचे, समझा? ए चला, बताता हूँ तुझे। शगुन जाने देना, तू जानती है ना हम लोग एक लेबर क्लास है, कहीं कंप्लेन कर देगा तो? कंप्लेन तो शुभ सर से मैं करूंगी, तू ये पकड़। Factory staff not allowed. Sir, Mr. Bhatt आपसे मिलना चाहते हैं। ऊपर भेज दो। Look
के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूसरे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे फिरोले अंदर कैसे आ गए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सर वो जो सुपरवाइजर है ना। सर इसकी बात मत सुनिएगा सर, ये लड़की बहुत तेज है सर। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था और मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। राम 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 राम, कितनी झूठी लड़की है सर ये, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर सर ये लड़की सुबह सुबह फैक्ट्री में लेट आई सर, और सर मैंने जब अटेंडेंस रजिस्टर में सर रेड मार्क करने की कोशिश की सर, इसने इसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया सर। सर ये नाटक कर रहा है। नहीं सर, सर ये बोल रही सर। स्टॉप इट। मुझे मेरी फैक्ट्री में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और उससे कहीं ज्यादा मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो अपने लड़की होने का फायदा उठाती हैं और दूसरों पे इल्जाम लगाती हैं। सर मैंने कुछ